अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे टाइम मिल सकता है नीट का प्रिपरेशन करने का। मतलब ये जिनको MBBS ही करना है लेकिन सिक्योर रहने के लिए साइड में क्या आप BOMS भी साथ में कर सकते हैं, ताकि जब MBBS ना मिल पाए तो BOMS ही फिर कंटिन्यू करें, जिससे आपका टाइम भी बच सके और पूरा साल भी बर्बाद ना हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और एनालाइज भी करेंगे क्या ड्रॉप करना सही रहेगा। हेलो गाइज, मैं हूँ मोहम्मद अबान, स्टूडेंट ऑफ सेकेंड प्रॉफ। पहले तो BOMS के फर्स्ट ईयर में सिलेबस देखिए। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उर्दू, अरेबिक, मंतिक व फलसफा, उमूर तबैया एंड तारीख तिब जैसे सब्जेक्ट हैं। और इनकी बुक्स भी मैं बता चुका हूँ कौन सी बेस्ट बुक है फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आपको यूनानी प्लस मॉडर्न पार्ट दोनों पढ़ना होता है। और इन सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ने के लिए आपको मिनिमम हर रोज़ 2 से 3 घंटा तो देना ही पड़ेगा। BUMS में मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मीन्स सरकारी नौकरी चाहिए तो। जिसके ज़्यादा मार्क्स उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो BOMS के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके मार्क्स BOMS में अच्छे नहीं आए तो आपको सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए हर रोज़ 3 से 4 घंटा चाहिए ही चाहिए। और एक बात और, 75% अटेंडेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पूरी नहीं होती तो आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाओगे। इससे ये पता चलता है कि इधर आप BOMS ज्वाइन तो कर लिए, उधर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की तो 75% अटेंडेंस आप कहाँ से लाओगे। वो बात अलग है कि आप पैसा वैसा खिलाकर अटेंडेंस ले सकते हो। तो बात करते हैं अब कॉलेज के टाइमिंग की। हमारा कॉलेज शुरू होता है सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक, सोमवार से शनिवार मीन्स मंडे टू सैटरडे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको टाइम मिल पाएगा प्रिपरेशन करने के लिए, और अगर फिर भी मिल जाता है तो आगे देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर आप बाय चांस किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको 6 मंथ बाद फिर से वो एग्ज़ाम देना होगा फेल हुए सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, जिसको हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहते हैं। अब ये मत कहना कि प्रैक्टिकल बचा लेगा, ऐसा नहीं है। थ्योरी एग्ज़ाम में अलग से पास होना होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अलग से। तो चलो मान भी लिया ये सब आप मैनेज कर सकते हो, तो आपको क्या लगता है यहाँ से बच के आप जा पाओगे? अरे BOMS एक माया नगरी है, सुंदर सुंदर लड़कियाँ देखने को मिलती हैं, यहीं अटक के रह जाओगे, लड़कियों के चक्कर में पढ़ाई भी ना हो पाएगा। अगर आप फिर भी सख्त लौंडे हैं तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के साथ में आप दूसरे लोगों को MBBS के कंपटीशन में बीट कर पाएंगे? तो मेरी राय में BOMS के साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा होगा या सिर्फ आप कोचिंग करिए या BOMS करिए। अगर आप दो नाव के सवारी बनोगे तो आपको भी पता है आगे जाके क्या होना है, और ऊपर से आप BOMS की एक सीट भी बर्बाद कर रहे हो। और रही बात प्रिपरेशन की, तो मैं आपको बता दूँ 20 से 30% लोग यही सोच कर आते हैं कि हम साइड में नीट की प्रिपरेशन करते रहेंगे, लेकिन फिर वो यहीं पर ही रह जाते हैं और उनका मन BOMS में ही लगने लगता है। तो मेरी राय में यही है, या फिर आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए या फिर BOMS अच्छे से करिए, क्योंकि BOMS एक इतना अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, इवन MBBS वालों से भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। बस कमी है तो टैलेंटेड लोगों की, क्योंकि मैक्सिमम टैलेंटेड लोग तो MBBS में चले जाते हैं। और MBBS में क्यों जाते हैं? क्योंकि MBBS में बहुत पैसा है। और सरकार जिस दिन BOMS में भी पैसा डाल देगी ना, तो यकीन मानिए BOMS में भी टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए यूनानी प्रो।